ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स में अगर किसी बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज किया जाए और हाइड्रोलाइज करने पर वो 2 to 9 शुगर मॉलिक्यूल दे तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड भी वाटर सॉल्युबल होते हैं जस्ट लाइक मोनोसैकेराइड लेकिन उससे कम, और मोनोसैकेराइड ज्यादा स्वीट इन टेस्ट होते हैं जबकि ओलिगोसैकेराइड्स आर लेस स्वीट इन टेस्ट। और ये जो डाइसैकेराइड होते हैं इनको तोड़ने पर इनके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल निकलते हैं, और अगर ट्राइसैकेराइड्स की बात करें तो उनको तोड़ने पर 3 शुगर मॉलिक्यूल निकलते हैं और सो ऑन, ये 9 तक शुगर मॉलिक्यूल निकलते रहते हैं। और जो इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हैं उसमें सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज है, एंड लैक्टोज इज मिल्क शुगर। हम सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज इज प्रिपेयर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये हमारे पास ग्लूकोज है, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज का मतलब कार्बन नंबर 3 पर OH ऊपर लगा हुआ है, दैट इज डी ग्लूकोज, और अल्फा इसलिए कि OH नीचे लगा हुआ है, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज जब फ्रुक्टोज से मिलेगा तो कार्बन नंबर 1 और इधर से ये OH, इसका OH का H और इसका OH विल बिकम वाटर, वाटर निकल जाएगा, और इसके दरमियान और फ्रुक्टोज के दरमियान ये O आ जाएगा, दैट इज द ईथर लिंकेज, एंड ईथर लिंकेज इन कार्बोहाइड्रेट्स इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे प्रोटीन के अंदर जो अमाइड लिंकेज होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड लिंकेज, बिल्कुल वैसे ही अगर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है तो इसको ईथर लिंकेज नहीं बोलेंगे, बल्कि जो सैकेराइड्स के अंदर जो शुगर के अंदर लिंकेज होगा ईथर लिंकेज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और अगर किसी शुगर मॉलिक्यूल किसी मोनोसैकेराइड को तोड़ने पर 3 शुगर मॉलिक्यूल निकले उसे बोलेंगे ट्राइसैकेराइड, एंड वेल नाउ ट्राइसैकेराइड इज अ रेफिनोज, दैट इज विद फार्मूला CH3 2O16।